Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see React Use State Practice. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही awesome है क्योंकि मैं अगेन आज एक प्रैक्टिस लेके आऊँ आपके सामने जहाँ पे आपको ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। ये बेसिक है, सिंपल है, आई नो आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, मेक श्योर होना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको बताया आपको समझ चुका है या नहीं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया, आई हाईली रिकमेंड प्लीज चेकआउट कीजिएगा, स्पेशली अपना स्टेट वेरिएबल बेसिकली रिएक्ट स्टेट मैनेजमेंट। देन कल का वीडियो जहां मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया कि क्यों जब भी री रेंडर होता है तो उसकी वैल्यू वापस से जीरो में बदलती नहीं है, बेसिकली रीसेट नहीं होता, तो वो मैंने आपको बताया था, राइट। तो आज वापस से एक सिंपल सा आप लोगों के लिए मैं चैलेंज लाया हूं, जहां पे वी हैव दिस एरे, हमारे पास एक एरे है, मुझे इसको क्या करना है गाइस, मुझे इसको ना बेसिकली डिस्प्ले कराना है मेरे स्क्रीन पे। एंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर जब हम नेटफ्लिक्स के साथ कर रहे थे, नेटफ्लिक्स में भी मैंने कुछ इसी तरीके से किया था, बट नाउ वी हैव अ स्टेट एंड आगे जाके मुझे बेसिकली कल की वीडियो में वी विल सी व्हाट इज दिस ड्राइव स्टेट एंड उसके बेस पे डेटा हमें चेंज एंड अप एंड डाउन वो सब करना भी है। तो अब आपको ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो एज इट इज नॉर्मल आपको इसको रन करना है, जहाँ पे नेम एलाइस हाइफन एज जो भी है 25 ईयर्स ओल्ड ये दिखाना है, एंड देन सेम उसी प्रॉब्लम को वो आपको यूज स्टेट जो हुक है उसकी मदद से आपको दिखाना है, बेसिकली उसको यूज करके दिखाना है। तो गाइस अभी आप इस वीडियो को कीजिए पॉज एंड ट्राई कीजिए अपने आप, एंड जो भी आपने कोड लिखा होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा, तो मैं आपको सबसे पहले करके बताता हूँ, ये एक एरे था राइट, एंड इस यूएल के अंदर मुझे चलना होगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट की दुनिया के अंदर आता हूँ, यूजर्स डॉट मैप मेथड है ना, सिंपल सा, एंड यहाँ पे लेट्स से वी हैव दिस करेंट एलिमेंट, मेरा रोज हमेशा का यही है, एंड देन वी हैव दिस इंडेक्स राइट। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, वी नीड टू रिटर्न नो मैटर वॉट, एंड यहाँ पे लेट्स से वी हैव दिस अलाइव, ठीक है। इस अलाइव के अंदर मुझे क्या करना होगा, वापस से ये कर्ली ब्रेसेस देना ही पड़ेगा ताकि जो मेरा करेंट एलिमेंट है डॉट मुझे नेम मिल जाए, डॉट आपका एज मिल जाए, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इतना सिंपल है। एंड ऑब्वियसली आपसे ये बोलेगा भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको एक काम करना होगा, एंड दैट इज कि इसकी भी आपको अब नीड नहीं पड़नी चाहिए ना इसकी, तो एरर मुझे आ रहा है बिकॉज ऑफ द की प्रॉप्स, सो लेट्स गो विथ की एंड उसमें मैं इंडेक्स पास कर देता हूँ। डोंट वरी, आगे मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा वाई वी नीड की प्रॉप्स, ठीक है। एंड जब भी आप मैप मेथड यूज करते हो वी नीड टू हैव दिस की प्रॉप्स नो मैटर व्हाट, ये तो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, अब अगर ये मैंने लिख दिया तो ये जो ड्राइव स्टेट है ऑलरेडी इसको मैंने ऐप पे रन करके रखा हुआ है, तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ यू कैन क्लियरली सी कि यूजर लिस्ट में एलाइस बॉब चार्ली एंजल्स मुझे इस तरीके से मेरा आ गया, ठीक है, नॉर्मल ये, चलो पहला पार्ट डन। अब यही सेम पीस ऑफ कोड को मुझे यू नो इम्प्लीमेंट करना विद द हेल्प ऑफ हुक्स, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ स्टेट, एंड दैट इज योर यूज स्टेट हुक। सो गाइस अब हम इसको कैसे कर सकते, देखो सबसे पहले तो वी नीड टू क्रिएट अ हुक राइट, सबसे पहले तो हुक्स क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट यूजर्स, देन कन्वेंशन इज सेट यूजर्स विल बी इक्वल टू आपका यूज स्टेट, एंड द मोमेंट मैंने एंटर की वो टॉप पे हमने उसको इंपोर्ट की फ्रॉम आवर रिएक्ट लाइब्रेरी। अब यूजर्स का मुझे सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू देना है, क्या मैं एम्प्टी दूं या इससे पहले हमने काउंट में जीरो दी थी, मुझे मतलब क्या देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इनिशियल वैल्यू क्या देना चाहिए, तो वो ना टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम या कौन से चीज को आप टैकल कर रहे हो राइट। फॉर आवर एग्जाम आई मीन इन आवर केस अगर आप देखते हो वी हैव दिस यूजर जो कि एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जो कि है एक एरे बट बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को उसने होल्ड करके रखा हुआ है, तो भले ही ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो बट इन रियलिटी है तो वो आपका एक एरे ही राइट। सो हमारा इनिशियल वैल्यू मस्ट बी एन एम्प्टी एरे, उसके बाद चाहे जो भी उस पर वो ऐड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं कहीं से एरे कोई फिल तो कर नहीं रहा, एंड ये जो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट हमें पहले से मिली हुई है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पहले मैंने नॉर्मल एक यूजर वेरिएबल को असाइन करा रखी थी इसको अब मैं कॉपी करूँगा, एंड इंस्टेंट ये जो आपका इनिशियल वैल्यू में मैं इसी को पेस्ट कर दूंगा। एंड जब आप इस तरीके से करते हो तो कभी भी सेमी कॉलम यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको आपको देना नहीं है, इसको हटा दीजिए कंट्रोल एस से, इसकी अब मुझे कोई नीड नहीं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने उसको कन्वर्ट कर दी है,
एंड यूज स्टेट में एज एन इनिशियल वैल्यू वो उसको मैंने असाइन करा दी। परफेक्ट। सो नाउ ये जो पीस ऑफ कोड मैंने लिखा था इसको कुछ करने की नीड ही नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि कैसे कोई भी नॉर्मल वेरिएबल का जो डेटा को आप मैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक यूज कर सकता हूँ, जो एक नॉर्मल था अब उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे असाइन करा दी। अब यहाँ पे तो कुछ करने की नीड ही नहीं ना, यूजर जो पहले एक नॉर्मल था अब एक स्टेट वेरिएबल बन गई है एंड उसी स्टेट वेरिएबल पे मैंने ये बेसिकली अपना जो मैप मेथड है उसको चला रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे चलता भी हूँ स्टिल आई एम गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ये आपको ये दिखाने के लिए कि कोई भी नॉर्मल को भी अब आप इस तरीके से स्टेट में चेंज कर सकते हो। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस आप में से कितनों ने ये दोनों के दोनों यूज चुटकी में कर लिया था। अगर आपने चुटकी में क्या होगा तो आप ये समझ जाइए कि गाइस आप सीख रहे हो, क्योंकि ये सच में बेसिक था बट एटलीस्ट इतना कर पाना भी बहुत बड़ी बात है एक बेसिक के लिए भी, क्योंकि अभी तक हमने सीखा भी सिर्फ इतना ही था। एंड स्पेशली बहुतों के लिए तो ये ऑब्जेक्ट को मैं कैसे दिखा सकता हूँ ये भी इंपॉर्टेंट था एंड इस तरीके से जो कोड लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो या दिस इज इट आज इस वीडियो के इतने। कल के वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा व्हाट इज ड्राइव्ड स्टेट। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भर भर के शेयर, इस प्लेलिस्ट को भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट कैसा लग रहा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।